गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो हाउ आर यू बेटा? ऑल आर फाइन. ओके, सो चलो फटाफट से हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं. करना है स्टार्ट. ओके, देखो बेटा, फिर से लॉकडाउन है ना. अभी तो हम किसी तरह से रूटीन में आया था. हमारे स्कूल शुरू होने के पूरे चांसेस थे, है कि नहीं. लेकिन फिर से कोरोना ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया और फिर से और एक बार हम लॉकडाउन में आ गए हैं. लॉकडाउन में आए हैं लेकिन हमें हमारी पढ़ाई छोड़नी है क्या? नहीं छोड़नी है, है ना. तो क्या करना है? हमारे स्टडी जो है वो हमें कंटिन्यू रखनी है. तो इसके पहले के क्लासेस में हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है. आज एक न्यूज स्टोरी सुनाने वाले हैं टीचर आपको. स्टोरी का नाम है शाम्स हॉर्स कार्ट, है ना. अब स्टोरी सुनते वक्त हमें उसे रीड भी करना है. तो उसके लिए क्या करना है? यस, हमारे टेक्स्ट बुक्स ओपन करने हैं. तो फटाफट हमारा इंग्लिश का टेक्स्ट बुक ओपन कर दो आप. पेज नंबर 54. कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 54. कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश. तो इंग्लिश का ही टेक्स्ट बुक्स ओपन करना है. ओके, देन ओपन द पेज नंबर 54 बेटा. एंड अवर लेसन नेम इज शाम्स हॉर्स कार्ट. अब इस लेसन को हम स्टोरी का नाम देंगे, है ना. क्योंकि लेसन बोलेंगे तो टीचर हमको सुनना अच्छा नहीं लगता. स्टोरी तो हमको बहुत पसंद है कि नहीं. तो चलो फिर आज मैं आपको शाम की स्टोरी सुनाने वाली हूँ. ओके, तो सबसे पहले हमें रीड करते हुए आना चाहिए. लेसन का नाम क्या है हमारे? शाम्स, है ना, शाम. सो स्पेलिंग क्या है शाम का? SHYAM, शाम. लेकिन टीचर आपने तो वहां पर एस लगाया है, है ना. तो अब ये एस क्यों लगाया है यहाँ? क्यों लगाया है? क्योंकि हमें यहाँ कहना है शाम का. क्या कहना है? शाम का या शाम की. ओके, शाम्स. इसे रीड कैसे करेंगे हम इंग्लिश में? शाम्स. ओके, और ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगाया है इसका मीनिंग होता है शाम की. हॉर्स कार्ट, हॉर्स, HORSE, इसका मीनिंग क्या है? हॉर्स. हॉर्स मीन्स घोड़ा, है ना. और शाम कौन है? वन बॉय है. शाम कौन है? वन बॉय है. देन कार्ट, CART, कार्ट. बहुत इजी है ना रीड करना. देखो शाम, शाम का स्पेलिंग हो गया सभी को लर्न. SHYAM, शाम. अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो शाम्स, है ना, शाम्स. देन हॉर्स का स्पेलिंग सभी को आता है. चलो बोलो रीड करो फटाफट. वेरी गुड, HORSE, हॉर्स. देन CART, कार्ट. अब हॉर्स कार्ट मीन्स घोड़ा गाड़ी. हॉर्स कार्ट मीन्स घोड़ा गाड़ी. अब आप सभी को घोड़ा गाड़ी पता है, है ना. जिस तरह से बैलगाड़ी होती है उसी तरह से घोड़ा गाड़ी होती है. तो शाम्स हॉर्स कार्ट मतलब शाम की घोड़ा गाड़ी के बारे में हमें इस लेसन में या इस स्टोरी में पढ़ना है. हम लोग देखने वाले हैं, सीखने वाली है कि आखिर इस शाम्स की घोड़ा गाड़ी में, शाम्स हॉर्स कार्ट में क्या है. ओके, तो चलो शैल वी स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट आई रीड, देन रीड दिस लेसन. श्याम स्टार्टेड इन हिज हॉर्स कार्ट टू गो टू द फेयर. श्याम स्टार्टेड इन हिज हॉर्स कार्ट टू गो टू द फेयर. अब श्याम स्टार्टेड. देखो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, हमें रीडिंग आना बहुत जरूरी है. अब जैसा एक बिग वर्ड आ गया तो हम उसे रीड किस तरह से करेंगे? जैसा फर्स्ट वर्ड है हमारा श्याम, जो हमें रीड करना आ गया है. देन इज स्टार्टेड. अब STAR, स्टार. TED, टेड, स्टार टेड, है ना. स्टार्टेड, स्टार्टेड इन हिज हॉर्स कार्ट. अब श्याम ने अपने हॉर्स कार्ट पे चलना शुरू किया. अब कहाँ पर जा रहा था वो? टू गो टू द फेयर. ओके, श्याम जो है वो अपनी घोड़ा गाड़ी पे, अपने हॉर्स कार्ट में
फेयर में जा रहा था। अब फेयर, एफ ए आई आर, फेयर, फेयर मीन्स मेला। सभी को मेला पता है ना, मेला यात्रा है ना। तो जो शाम है उसके गांव में भी मेला लगा था, फेयर लगा था, और वो अपनी गाड़ी में बैठ के, हॉर्स कार्ट में, अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहा था। ऑन द वे, ऑन, ओ एन, ऑन, टी एच ई, द, डब्ल्यू ए वाई, वे, ऑन द वे मीन्स रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में, मधु एंड मीरा सेड। अब शाम जो है वो हॉर्स कार्ट लेके मेला देखने जा रहा था। अब सडन ऑन द वे रास्ते में उसे कौन मिला, मधु एंड मीरा। देखो यहाँ दिए हुए हैं, है ना, कौन जा रहा था हॉर्स कार्ट लेके, शाम, ओके। देन फिर उसे कौन मिला, मधु, कौन मिला, मधु, एम ए डी एच यू, मधु एंड मीरा, मधु एंड मीरा। अब मधु एंड मीरा क्या कह रहे हैं, मधु एंड मीरा से ऑन द वे रास्ते में मधु और मीरा ने कहा, कैन वी कम, कैन वी कम, ओ यस शेड श्याम। मधु और मीरा ने क्या कहा, कैन वी कम, क्या हम आ सकते हैं। एक सेंटेंस आपको मिल गया इंग्लिश का, इंग्लिश टॉकिंग करने के लिए आप अपने फ्रेंड को भी बोल सकते हो, कैन आई कम, कैन वी कम, है ना, क्या हम आ सकते हैं। उस पर श्याम ने कहा, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ओके। श्याम ने क्या कहा, यस, ओ यस आप लोग आ सकते हो, है ना। इट इज़ अ गुड मैनर्स कि वो अकेला जा रहा था, उसकी घोड़ा गाड़ी में जगह भी थी, इसलिए उसने मधु और मीरा को भी अपने हॉर्स कार्ट में साथ में ले लिया। अब ये तीनों मिलकर कहाँ जा रहे हैं, फेयर देखने, है ना, वेरी गुड, कहाँ जा रहे हैं, फेयर देखने, ओके। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि हु वॉज गोइंग टू फेयर, कौन जा रहा था, यस श्याम वॉज गोइंग टू फेयर, हु मेट, तो मधु एंड मीरा, ओके। देन द डॉग सॉ देम, ही आस्क्ड, कैन आई कम, ओ यस सेड श्याम। अब जैसे ही ये तीनों थोड़ा आगे बढ़े, रास्ते में उन्हें डॉग ने देखा। अब किसने देखा, एक डॉग ने देखा, कौन मिला, अब थर्ड पर्सन, डॉग, है ना, डॉग ने देखा। अब डॉग ने भी पूछा, कैन आई कम, फिर से श्याम ने कहा, यस यू कम, है ना, वो मना थोड़ी कर रहा था, उसने कहा, हाँ आ जाओ तुम भी। दे आर गोइंग थ्रू द फील्ड्स, द पीकॉक सॉ देम एंड आस्क्ड, कैन आई कम टू द फेयर, ओ यस सेड श्याम। फिर देखो, थोड़ी दूर जाने के बाद में दे वर गोइंग थ्रू द फील्ड्स, जैसे ही वो फील्ड्स के पास से जाने लगे, फील्ड्स, एफ आई ई एल डी एस, फील्ड्स, फील्ड्स मतलब खेत, जैसे ही वो खेतों में जाने लगे, खेतों के पास से जाने लगे, तो रास्ते में उन्हें कौन मिला, पीकॉक मिला, कौन मिला, पीकॉक मिला, है ना, कौन मिला, पीकॉक मिला। देन द पीकॉक सॉ देम एंड आस्क्ड, कम, कैन आई कम टू द फेयर, क्या मैं फेयर में आ सकता हूँ, क्या मैं मेला देखने आ सकता हूँ, ओ यस सेड श्याम। श्याम ने कहा, क्या कहा फिर, ओ यस तुम बिल्कुल आ सकते हो। अब श्याम के हॉर्स कार्ट में कौन कौन हो गया, देखो श्याम पहले था, फिर देन मधु एंड मीरा हो गई, देन डॉग, फिर देन उसके बाद में उसे मिला पीकॉक, है ना, पीकॉक मिला। देन व्हेन दे वर क्रॉसिंग द रिवर, जैसे ही वो रिवर क्रॉस करने लगे, रिवर क्रॉस करने लगे, द फ्रॉग सेड, फिर उन्हें कौन मिला, फ्रॉग। देखो जैसे ही श्याम निकला, सबसे पहले उसे मधु एंड मीरा मिले ऑन द वे, देन उसके बाद में डॉग दिखा, देन उसके बाद में फील्ड्स के पास से वो जो जा रहे थे तो उन्हें पीकॉक मिला, और जैसे ही वो रिवर के, रिवर क्रॉस करने वाले हैं, तो उन्हें कौन मिला, फ्रॉग मिला। श्याम सेड, कम एंड सिट नियर मी, फिर फ्रॉग को क्या कहा श्याम ने, कि तुम आओ और मेरे बाजू में जाकर बैठ जाओ, नियर टू मी, नियर मतलब पास में,
दे सॉ द फेयर फ्रॉम द डिस्टेंस. द पीकॉक वॉज सो हैप्पी, इट स्प्रेड इट्स फीदर एंड स्टार्टेड डांसिंग. अब दूर से जैसे ही वो जाने लगे तो उन्हें दूर से ही मेला दिखने लगा. हम लोग जाते हैं, है ना, तो देखो हमें भी काफ़ी दूर में हम रहते हैं तभी हमें मेला दिखना स्टार्ट होता है और फिर हम चले जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. उसी तरह से सब बहुत खुश हो गए जैसे ही उन्हें मेला दिखने लगा. और पीकॉक जो है वो बहुत खुश हो गया और खुशी से उसने अपना जो फीदर्स था उसका ये देखो दिया है, इट स्प्रेड इट्स फीदर, उसके जो पंख थे वो उसने फैला दिए और डांस करना स्टार्ट कर दिया. बट वन फीदर टच्ड द डॉग्स ईयर. अब जैसे ही पीकॉक ने डांस करना स्टार्ट किया तो वन फीदर जो था, वन पंख जो था, वो डॉग के ईयर को टच कर गया, है ना, टच कर गया, मतलब उसे टच, TOUCHED, टच्ड मतलब छूना, है ना. तो पीकॉक का जो वन फीदर है वो डॉग की ईयर को टच कर गया. ही स्प्रैंग अप एंड बार्क लाउडली. स्प्रैंग अप मतलब वो बहुत जोर से डर गया और जोर से बार्क करने लगा, मतलब भौंकने लगा. ओके, देखो फीदर्स फैलाकर कौन डांस करने लगा, पीकॉक. अब वो डांस करते करते वन फीदर किसको टच कर गया, डॉग को. और जैसे ही डॉग को पंख टच कर गया, फीदर टच कर गया, क्या हो गया, डॉग जो है वो भौंकने लगा, वो डर गया और भौंकने लगा. देन मधु वॉज फ्राइटेंड. अब उतने में क्या हो गया, मधु जो है वो भी डर गई जैसे ही डॉग भौंकने लगा. मीरा फेल ऑन द फ्रॉग, और मीरा जो है वो फ्रॉग के ऊपर गिर गई. ओके, द फ्रॉग फेल ऑन द हॉर्स, और फ्रॉग जो है वो किसके ऊपर गिर गया, हॉर्स के ऊपर. देखो एक फीदर ने कितना बड़ा कंफ्यूजन कर दिया और वहाँ कितनी बड़ी स्टोरी तैयार हो गई, है ना. पीकॉक डांस करने लगा, फीदर वहाँ से, एक फीदर डॉग को टच किया, जैसा ही डॉग को टच हो गया वो डर के भौंकने लगा, मधु भी डर गई, मीरा कहाँ किसके ऊपर, मीरा जो है वो फ्रॉग के ऊपर गिर गई, और फ्रॉग जो है वो हॉर्स के ऊपर जाकर कूद गया. द हॉर्स वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही रेन हेल्टर एंड शेल्टर. अब हॉर्स जो है वो बहुत डर गया और हेल्टर एंड शेल्टर, हेल्टर एंड शेल्टर, हेल्टर एंड शेल्टर मतलब यहाँ वहाँ, डॉग सॉरी हॉर्स जो है वो यहाँ वहाँ भागने लगा. शाम फेल ऑफ, शाम जो है वो भी गिर गया नीचे. देन मधु एंड मीरा ऑल्सो फेल ऑफ, वन बाय वन ऑल ऑफ देम फेल ऑफ. अब एक एक करके सभी लोग जो थे, जो जो हॉर्स कार्ट पर बैठे थे, वो सभी एक एक कर गिरने लगे. द हॉर्स केप रनिंग एंड स्टॉप व्हेन इट रीच नियर द फेयर. अब जो हॉर्स था वो दौड़ते दौड़ते इधर उधर भागते भागते दौड़ते दौड़ते आखिर में वो कहाँ पर जाकर रुक गया, फेयर के पास में. श्याम मधु मीरा द डॉग द पीकॉक एंड द फ्रॉग वर ऑल पेंटिंग व्हेन दे रीच्ड. पेंटिंग, अब जैसे ही वो श्याम मतलब कहाँ, फेयर के पास पहुँचे, वो बहुत एक दूसरे को उनको दर्द होने लगा. टिल देन द हॉर्स बिकेम क्वाइट एंड रिलैक्स्ड. इन द इवनिंग दे रिटर्न हैप्पीली इन द हॉर्स कार्ट. अब हॉर्स कार्ट, हॉर्स जो था वो बहुत डर गया था इसलिए वो इधर उधर भागने लगा और उसके भागने में सब लोग जो थे वो नीचे गिर गए. आखिरकार हॉर्स जो है वो थक गया था तो वो रुक गया था कहाँ, फेयर के पास में जाकर, है ना. और फिर श्याम मधु मीरा द डॉग द पीकॉक द फ्रॉग ये जो थे ये सब क्या हो गए, एक जगह पर इकट्ठा हो गए. और फिर जब वो खड़े हुए तो उन सबको थोड़ा सा दर्द होने लगा, है ना, गिर गए थे ना वो, दर्द होने लगा. फिर उनको समझ में आया क्या हुआ और फाइनली फिर वो फेयर में गए. बहुत सारा उन्होंने एंजॉय किया, हॉर्स ने भी इंजॉय किया. और इवनिंग में मतलब शाम को ये सब हॉर्स कार्ट पर, उसी हॉर्स कार्ट पर बैठकर वापस आ गए.
तो इस तरह से हॉर्स कार्ट की स्टोरी थी। अब समझ में आया क्यों कहा गया शाम्स हॉर्स कार्ट? एक हॉर्स कार्ट था, उसके ऊपर इतने सारे लोग बैठे हुए थे और वो कहाँ जा रहे थे? फेयर देखने के लिए। बहुत सारा इंजॉय किया था। आप सभी को भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई है, पक्का? ओके, फिर क्या करना है, ये स्टोरी को आपको घर में बहुत अच्छे से रीड करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।